बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। खवातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सारा को पहले तो सारे जिरे मेहमान हैं ते जिरा इनका थी है सकी कॉन्फ्रेंस था मैं इनको खैर तहसीन पेश करना इन दे अलावा कोई भी इलाके की पिटी उनकी जबान उनकी पहचान होती है ते सारे जिरे हालात मुल्क के खराब चले पैंडी परी ते जिरे ऐसा अपने हालात के कोल बेखबर थी कि अंधेरा ही कहते पे उनकी बड़ी वजह यही है बस अपनी पहचान अपने रिवायात अपने कल्चर को भूलते पे। एक अच्छी कोशिश है जो अपने कल्चर को अपनी जबान को अपनी रिवायात को असा प्रमोट करूँ तो अपनी नस्ल जी सारी बाद नस्ल आसी उन्होंने उनको हवाले करूँ ताकि सारी पहचान सारी मिट्टी सारे को हालात परते थी पी है परते नी वे इन अलावा डी खान वो एक तारीखी शाह है बहुत तारीखी लोग टपे बहुत तारीखी लोग जो गुजर किया है इतना पड़ाव रखा है अपना लेकिन अफसोस है जो हमेशा को सारे इलाके को खिते को पसमान रखा गया है उनकी वजह यह है जो हमेशा बैर लोग आ गए इतना डे इसमाइल खान के बीच डी खान की हुकूमत करते रहन तो सूबाई लेवल के उ हमेशा ही इलाके लोगों को नजरअंदाज किया गया है तो साउथ रीजन पूरा बेशक मैं आखा उनके लोगों को नजरअंदाज सारे जिलों को नजरअंदाज करके उत्तले पास ज्यादा जोर दिता गया है उन्होंने बुराया ज्यादा दिते गए तो सारे लोगों को मौका मिला भी है उन्होंने अपने खिदे के गीते खिदमात के बजाय मजीद अपने लोगों को अंधेरे ही धकेल है इनशाला ये टाइम पाकिस्तान तरीके साहब की हुकूमत ये खिते के गीते बहुत कम शुरू सीने पैन मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे पॉइंट सारे पैन डी खान के गीते जाती तौर के उत्ते जो डी खान का एक नारा है डी खान की एक आवाज है अस जमे सुनते पे हैं भाई डेरा फुलां का सिरा लेकिन फुल इतना नाम और निशान को पूरे डी खान असा को विरसे पूरे हल्के बल्कि पूरे जिले के बीच कें भी छात एक फुल कहीं खारी तो मिले लेकिन ऊ छात है जितना सारे बाल सारे पीढ़ियां सारे मावा सारे लोग फिरते हैं बहने आने उतना कोई फूल कोई पार सब नहीं मिला ये एक महरूमी है इलाके की पहचान को फिटावन है इलाके जुलम है तो इन शाला उन्हें तो मुकम्मल इतमाम सीते पे सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट खिते के शुरू थे इसी डेरे अकबर खान के नाम से शुरू थे इनकी पुरानी तारीख को शुरू थे लेकिन 12-12 साल को उन्होंने खाली एरे के कन्या खड़े किए गए आवाम को कोई सहूलियात को फायदा नहीं दिया उनकी एक मिसाल गोल मेडिकल कॉलेज है बेई मिसाल मोती महमूद अस्पताल है इन्हें कई बैग प्रोजेक्ट जो शुरू से थी रहे लेकिन आवाम को सहूलत को नहीं मिलती पाई इन शाला सारा ने किए मुकम्मल साड़ी हुकूमत के फंड छोड़े इन शाला एक साल सारे मुकम्मल सीधे पे इतना सारे कोई डेरे वाले अगर तू को वे तो सराइकी का नारा मारे तो डेरे का नारा मारे तो वो इज्जत मिले या ना वो हकदार है ये ना हो पेशावर नहीं है पहले बहने तो इलाके का ना चाहते हैं तो उन्हें को उन्हें रिठाया था आई जिमें कोई बड़ी मखलूक ही बती है उनके बार सारे लोग बड़े कुर्बानियां की ये गाल ही प्लेटफॉर्म से करना बड़ी जरूरी है जिन्हें भी कोई मसला बनाए चाहे वो एफआरई बनाए चाहे ट्राइबल एरिया बनाए डेरे इस्माइल खान के लोगों उन्हें तो कुर्बानी दी है तो अपने दिल को खोल के खुले दिल के नाल अपने विवाह को चाहे वो एडीपी है चाहे वो कश्मीर दे दिल खोल के उन्होंने कबूल किया ये कौम का बंदा जेरे तबके का बंदा इंडी खान दवाया है उन्हें सिर तीन पटका रखे है लेकिन अफसोस है जो इन्हों मुनाफा इन्हों गदारा वो पटके को चाह के जमीन के मुका दीते हैं डेरे वाल मैं सलाम पेश कर वाती डेरे वाला ने उन्हें गुवाती इज्जत दी है लेकिन आज मैं कोई प्लेटफॉर्म ठीक गाल करे सा तब्दीली तुसा आनी है अगर सारी उम्र जो लोग सब कुछ सवाल करें सारा धोखे करें उनके बाद वादी अच्छे थी वाली वजह कौन अपने कल्चर की वजह कौन सकाफत की वजह कौन तारीख की वजह कौन इज्जत की वजह कौन वकार की वजह कौन उन लोगों को वादी बहुत खुले दिल न कबूल कर देवे उन्होंने वेलकम कर देवे उन्होंने प्रोग्राम कर देवे उन्होंने सलाम पेश कर देवे तो हूँ सकूँ वो पक्का डेरे वाला नारा ही मानना पोसी सराइकिया नहीं वो पहचान नहीं दिखावनी पोसी भाई अगर कह रहे थे पटका रख सकते हैं तो वो पट ही सकते हैं अपने हाथ किरण देखी थे
अपने हक वसूल करने गए थे, अपनी तारीख पढ़ो, इन खतीर तारीख पढ़ो, इन खतीर लोगों ने मान के डेरा खान की पढ़ली पढ़ रखो मुल्तान तक मान के कब्जे किए, मान के जंगा लड़े, बहुत मुख्तलिफ कौमों ने किताबें लिखा भी है, जरा उन्हें आवाज मारी है, उन्होंने सिख या कोई बै लोग उन्होंने चढ़े, उन्होंने आवाज मारी है डी खान के लोगों को, डी खान के कौमों को, भाई वो सारी इमदाद करो, असा मुसीबत ही चाहें, तो यही डी खान के लोग हैं, तो उत्तर मान के उन्होंने कितने जंगा लड़े, तो कुर्बानियां की तो अज इन गाल मने दें, लेकिन अफसोस ये जो जेरे मने दें वो पंजाब में तो ऐसा पै इन उन्होंने लोगों के नाल जो सब मने भी नहीं जो सब समझे ने ये तो बई जबान के लोग ही जिन्हें सारे सूबे का तब्दील करके इं कि खैर पख्तूनख्वा रंग छोड़ा भाई पिछले 40 साल बड़े नारा मारा ने भाई खैर पख्तूनख्वा नारा रख दूँ यह सारी पार्टी का मंशूर है पार्टियां के मंशूर कहीं कौम कहीं जबान का ना रखना नहीं होता उन्होंने मंशूर हर कौम उस सूबे के रौन हर फर्द जितने बाल बच्चे मावं बीड़ियां उन्होंने सारा के हकूक तफजात मुकम्मल करना होना इंशाला तो यह जरा तसुदा इतना ही बाजार गर्म ही पिछले हुकूमत ही उन्हें को पहले इंशाला वो खत्म सी वे थी लेकिन जितने तक गिरेवार सराय की लोग अपने हक दे कीते वो तरीके तो नहीं निकसे जे तरीके से निकल पका रहे तो यकीन रखो ये पहले साल से हक नहीं मिला चाहे कोई सारी तरीके कुर्बानी कर गिरे ये हक क्यों ना मिल सी मैं बहुत बुरा निठन सराय की सूबे के हवाले न सराय के हवाले न लेकिन मेरे को बड़ा दुख थी मैं शिरकत बहुत की है जो वो लोग ऊँ जोश खरोश ना नहीं मैं उतना जरा उत हक बनता है तो यह सबूत ही गल का जो सारी बेरोमी की वजह सारी अपनी जात के रह के जाती मफादात की असर इजमाही मफाद की इलाके की अपनी कल्चर की सोच तय करें इंशाला इकट्ठे सीखे अपने हकूक के किते अपने खिते के हकूक के किते अपनी जबान के किते अपने अबाजदाद की वो तारीख के किते वो चलावण के किते असर मेहनत करे सो क्योंकि असर मेहनत नहीं की असर इकट्ठे नचे ऐसे भी सुनने प्रोग्राम नहीं किए तो लोगों को दसाया नहीं तो सारे तारीख के तो यकीन करो बहुत सारी किताबें तो फिट गए अगू जी किताबें पहले ही छपते हैं शायद उन्होंने असलों को पता ही ना हो तो कौन रहा है कौन हैं कि किस्म के वाकियात वो बड़े बड़े करामे रुनुमात हैं थोड़ी बड़ी मेहरबानी खुश तैयार रखें।